उसके बारे में जानकारी देंगे और अपने उद्योग, अपने अपने देश के उद्योगों के बारे में एग्जिबिट करेंगे। उसके साथ जो टिकट पवेलियन की बात है उसमें खास नजर अगर हम देखें तो खास क्यूरियोसिटी की चीज रहेगी स्टार्टअप का जो पवेलियन है, स्टार्टअप के क्षेत्र में किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं ना केवल गुजरात ने बल्कि भारत एज अ होल, और उसके साथ ही किस तरीके का रिसर्च चल रहा है, कहाँ किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बेशक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक जोन बनाया गया है जो गुजरात का एक्सपीरियंस जोन है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है जहाँ पे आर्ट कल्चर ट्रेडिशन को भी डिस्प्ले किया गया है, प्राचीन संस्कृति को डिस्प्ले किया गया है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है और उसके साथ ही जो टूरिज्म है उनके एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इतना ही नहीं आर्ट 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 एंड क्राफ्ट की भी जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस दी गई है इस गुजरात एक्सपीरियंस जोन में। तो गुजरात के जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात की संस्कृति हेरिटेज का गुजरात के डेवलपमेंट में उस जर्नी को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये कई ऐसे एस्पेक्ट है, ई मोबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट है जिसमें ऊर्जा की बात की गई है ई मोबिलिटी पवेलियन के हिसाब से, जो भारत में जो भविष्य का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कैसा रहेगा उसके बारे में बताया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। तो अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स आएंगे, जो इंडस्ट्री और बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो उसके इंटरेस्ट को कैप्चर कर सकेगा। जी निश्चित तौर पर, ये 10वां वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट है। अगर पिछले 9 बार की बात करें, ये कहा जाए कि जो इसकी एक राह रही है, विकास गाथा रही है, उसको किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे आप, क्या कुछ विशेष हासिल किया है इन वर्षों में, और साथ ही साथ अगर आप ये भी बता सकें कि इस बार का जो 10वां समिट है वो किन मायनों में विशेष होने जा रहा है, आपने कुछ अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्चेस की बात की, उसके अलावा भी कुछ हमें जानकारी दे सकें। देखिए इस बार अगर हम देखें तो आज का सबसे जो अहम चीज हमने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस अलग अलग सेक्टर्स के सीईओ से मिलना हुआ वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि हम पहले सेमीकंडक्टर्स को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं और ये सही समय है और यही समय है जब हम सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, वर्कफोर्स को स्किल कर सकें और उसके साथ ही हम किस तरीके से और ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं। माइक्रॉन जैसी कंपनी गुजरात के सारनंद में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, उसका एक R&D यूनिट हैदराबाद में भी है जिसमें की काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो एक एस्पेक्ट अगर हम देखें तो पूरी तरीके से तैयारी अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से जिसको जो शब्द कहा जाता है पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एक बहुत बड़ा आयाम दिया जा सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, उस पर फोकस है। दूसरा फोकस डीपी वर्ल्ड के भी सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले जो कि पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काम करता है। निखिल, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है तकरीबन 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, पोर्ट एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डीपी वर्ल्ड का पहले भी कांडला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट रहा है, डीपी वर्ल्ड अब चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क में भी गुजरात में इन्वेस्ट करे। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है, कई MOUs भी साइन हो चुके हैं और कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है डीपी वर्ल्ड के तरफ से, जो कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और पोर्ट डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती है। तो किस तरीके से पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो ताकि लॉजिस्टिक्स आसान हो सके, सप्लाई चेन सुदृढ़ हो सके, उसके ऊपर फोकस है। तीसरा एक सबसे अहम एस्पेक्ट बिजनेस के साथ साथ किस तरीके से एजुकेशन के बारे में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाइस चांसलर से मिले डेकिन यूनिवर्सिटी के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आना चाहते हैं भारत और यहाँ भारत में जो भारत के जो छात्र जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, अब उन्हें जब धीरे धीरे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत आने लग जाएंगी तो उनको ना केवल भारत के जो छात्र हैं उनको फायदा होगा बल्कि उसके साथ ही जो एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें या जो छात्र वहां नहीं जा सकते जो भारत आ सकते हैं वो भारत आके भी पढ़ सकते हैं।
डेकन यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो आज जो वाइस चांसलर ने हमसे बातचीत में इस बात को कहा कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, और जो डेकन यूनिवर्सिटी का कैंपस गिफ्ट सिटी में गुजरात के गांधीनगर में खुल रहा है वो नहीं खुल रहा होता। और केवल 2 महीने हुए हैं उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस एनालिटिक्स में, उस के लिए तकरीबन 500 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और उसके साथ ही वुलगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जो गिफ्ट सिटी में आएगी। तो ऐसे कर करके जो अगर हम देखें तो ना केवल बिजनेस एस्पेक्ट से बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले बल्कि एजुकेशन के एस्पेक्ट को भी उन्होंने उतनी ही प्राथमिकता दी, क्योंकि उससे भी जिस तरीके की स्किलिंग की हम बात करते हैं, उससे हम जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, और जो स्किल अभी की जरूरत है उसको डेवलप करने की बात करते हैं, और खासतौर पर जिस तरीके का ब्रेन ड्रेन की पहले बात होती थी कि भारत के छात्र बाहर जाके पढ़ते हैं और एक तरीके से उसको रिवर्स करने की कोशिश बेशक यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स की भी बात कर रहे हैं। सुजुकी अगर बात करें, सुजुकी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। सुजुकी का और गुजरात का तकरीबन 6 दशकों का रिश्ता रहा है, और ऐसे में इसको इस जर्नी को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जापान का हम जानते हैं क्योंकि सुजुकी जो है वो जापान की एक कंपनी है, तो सुजुकी का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे एस्पेक्ट, कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है वाइब्रेंट गुजरात। और जिस तरीके से निखिल हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ समय जो 2 बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नहीं हो पाया, हालांकि 2 साल में एक बार होता है और कोरोना काल के दौरान ये समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इस बार इसी कारण से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। और चूंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल डोमेन में काफी कुछ हो गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ हो गया है, और कोविड ने काफी हद तक बिजनेस का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बदल दिया है, या हम कह सकते हैं उसमें कई मल्टीपल्स उसमें तेजी ला दी है। तो उसको भी, उस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अहम और बड़ा मौका है। जी निश्चित तौर पर, एक बात आपने जैसा कि कही, और जिस तरह से भारत की इकॉनमी कुलाचे मार रही है, बिजनेस हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो दुनिया भर में भारत के अर्थ जगत की जो है वो छाप देखी जा सकती है, ऐसे में जो इस तरह की समिट्स है उसमें भी ये साफ तौर पर परिलक्षित होता होगा कि किस तरह से इंडिया के साथ में बिजनेस करने के लिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी उसकी वो कितनी आतुर दिखती है। देखिए, इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जापान है, जापान भी कई ट्रिलियन यन इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। हम देखते हैं कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत का वर्कफोर्स आए, माइग्रेशन मोबिलिटी अग्रीमेंट हम कर रहे हैं कई देशों के साथ, हम कई देशों के साथ FTAs यू नो पाइपलाइन में है उसके। तो इससे बेशक पता चलता है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और गुजरात उसका एक अगर हम कहें तो एक मॉडल है, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे व्यापार के क्षेत्र में, लगातार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे तो बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और ऐसे अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं आएगी। 2009 की अगर मैं बात करती हूँ निखिल, 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, उसके बावजूद वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अटेंडेंस थी, कई देश आए थे, कई देश के प्रतिनिधि आए थे, बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, ग्लोबल बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, और 2009 का वाइब्रेंट गुजरात समिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। तो इससे ये पता चलता है कि व्यापार के अगर हम नए आयाम देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खड़ा करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं, कई ऐसे ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑप्शंस देते हैं अगर बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस बिल्कुल आना चाहेंगे भारत। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखते हैं, भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स के तौर पे देखते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स से अगर देखा जाए तो बिजनेसेस बेशक इंटरेस्टेड रहते हैं भारत में, कि भारत में जाकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में खोले हैं पिछले ही कुछ साल में, और ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जी, एक चीज़ आपने और भी देखी है कि ये जो समिट है इसमें तमाम जो
विदेशी मेहमान हैं, उनमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल है, यूएई के राष्ट्रपति भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने देखा कि मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के जो प्रमुख हैं वो भी आज रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि एक अवसर के तौर पे बिजनेस की तो बात निश्चित तौर पर हो रही है, साथ ही साथ जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो भी परवान चढ़ रही हैं एक ऐसे माहौल में जहां पर सभी कहीं ना कहीं दुनिया को, जब देश को अपने अपने देश के बिजनेस की बात होती है तो दुनिया को विकसित करने की भी बात होती है। मेघना, बिल्कुल। और देखिए, अभी जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जेटीवी का एक जो पवेलियन है वो देख रहे हैं, उसके साथ एरोनॉटिक्स का एविएशन के सेक्टर को देख रहे हैं। तो ऐसे कई पवेलियन पर वो जा रहे हैं और वहां पर वो नजर बनाए हुए हैं, कई ब्रांड्स के पवेलियन पर जा रहे हैं, कई चीजों को देख रहे हैं। वहां पर ईवी के बसेस की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है, हम बात करते हैं और कई चीजों के मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। खास करके अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप है, कई यूनिकॉर्न्स भारत से निकल रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप है, भारत में ऑनलाइन हर एक स्टेटमेंट के सोल्यूशन के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप काम कर रहा है। मेडिसिन का क्षेत्र हो, टेलीमेडिसिन का क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ई संजीवनी हो, ऐसे कई चीजें हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके खुद सोल्यूशन लेकर आए हैं और वो सोल्यूशन को वायबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से इस ट्रेड शो की, ई मोबिलिटी जैसे ऊर्जा सक्षम की हम बात करते हैं, भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी इतना आवश्यक बन गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ई मोबिलिटी कितना अहम हो गया है, ये पता चलता है जब जैसे कॉप जैसे सम्मेलनों में जिस तरीके से सारे देश आते हैं और इस चीज पर चर्चा करते हैं तो पता चलता है इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर हम देखें तो नए वाहन मॉडलों के साथ कई अत्याधुनिक चार्जिंग की टेक्निक, बेटर बैकअप वाली जो बैटरीज हैं जो ईवी में जो लगती हैं, उसके साथ भी कई ब्रांड्स भी अपने एग्जिबिट को यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो परिवहन है, जो ईवी है, उसमें किस तरीके से इनोवेशन से ज्यादा क्या नया इनोवेशन आया है, कहाँ कहाँ पे और ज्यादा इनोवेट किया जा सकता है, R&D को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, उस पर भी एक बहुत अहम फोकस है। नॉलेज इकोनॉमी स्टार्टअप की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके साथ ही मेक इन गुजरात की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की पहल की और कई उद्योगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की, तो उसके बाद से किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा गतिशील बनाया जाए, उसके लिए ये एक पवेलियन भी तैयार किया गया है। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, ऐसे भी कई विषयों पर भी इस ट्रेड शो में ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर सबसे अहम निखिल है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन ईंधन की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फ्यूलिंग स्टेशन की बात करें वो इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया जाए, ये कैसे मॉडल बन सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेशक बात होती है, और हमने देखा कि हाल ही में जब G20 की मीटिंग चल रही थी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप में इन्हीं चीजों की चर्चा करते थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो इन्हीं सब सोल्यूशन को बिजनेस मॉडल बनाकर एग्जिबिट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके, जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीज को लिवेबल बनाया जा सके और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके। जी, निश्चित तौर पर आपने आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप्स का जिक्र किया। एक जहन में ख्याल आता है या लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सब कुछ भारत में बना हुआ, सब कुछ भारत में का निर्मित, लेकिन जो विदेशी जो कारोबारी हैं उनके साथ में गठजोड़, उनके साथ में सहयोग और उनके साथ में तकनीक का आदान प्रदान से लेकर के बाजार का भी, जिसको कहें भारत भी एक बाजार है और वहाँ पर भी एक बाजार ढूंढने की बात होती है, इस लिहाज से ये जो समिट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कितना
एक कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी आपको लगता है जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और जो जो नए उद्यमी हैं उनकी बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम अभी इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हम जानते हैं ये गुजरात की बात हो रही है, लेकिन देखिए, लेकिन आपने जब प्रश्न पूछा तब भी आपने एक एस्पेक्ट रखा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को सीधे तौर से लिंक किया जा सकता है कि जब गुजरात में जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट आते हैं या गुजरात में जिस तरीके का बिजनेस आता है उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक्सपेंशन जब कंपनियां करती हैं, अगर पहले गुजरात में आए उसके बाद अन्य राज्यों में भी एक्सपैंड करती हैं, तो इसका बेशक इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। और हम जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, फिनटेक के क्षेत्र में कितने सारे स्टार्टअप हैं, कितने सारे स्टार्टअप हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ड्रोन्स हैं, उसके साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप अब देखिए जैसे भारत का स्पेस सेक्टर भी अब स्टार्टअप को खुल चुका है, स्काईरूट, अग्निकुल, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो लोगों की जुबान पर इनके नाम हैं और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में। और किस तरीके से स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करके आगे स्टार्टअप बढ़ सकते हैं स्पेस के क्षेत्र में, वो भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। तो अब कोई भी अगर हम देखें, ना केवल इन सब चीजों में बल्कि ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देश और दुनिया तक डिस्प्ले कर रही हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, गांव तक उस रेवेन्यू को पहुंचा रही हैं। तो अगर हम देखें तो ना केवल एक ये स्टार्टअप का जो क्षेत्र है वो एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल तक और ग्लोबली भी होता है। जब गुजरात की बनी हुई चीज देश भर में जाती है और उसके बाद दुनिया भर में जाती है, या देश की कोई किसी भी कोने में बनी हुई चीज एक कंपनी के जरिए या किसी एक वेंडर के जरिए विश्व भर में पहुंचती है, तो बेशक रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है और उसके साथ ही उस चीज की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा करती है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये एक साइकिल है जिसमें इम्पैक्ट हर किसी को होता है और जो भी इस साइकिल से जुड़े रहते हैं उन्हें इस प्रॉफिट साइकिल में एक बेनिफिट मिलता है, और इसी को कहते हैं कि वायबल बिजनेस क्रिएट करना। और जो कि गुजरात में जिसका कल्चर हमेशा से रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में वायबिलिटी हो, क्या इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, इसको कितना स्केल किया जा सकता है, उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में लोग रखते हैं और इन सभी एस्पेक्ट्स को एक तरीके से जो बिजनेस, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स आते हैं ऐसे समिट्स में, वो ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे स्टार्टअप को ढूंढते भी हैं कि पता चले कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मेघना, वो बहुत चमक धमक के साथ में एक ट्रेड शो को परिलक्षित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, समझाएं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का, बड़े उद्यमियों का एक ट्रेड शो नहीं है, बल्कि इस बिजनेस से जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो तमाम जो समिट है, ये इससे पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को, जो आम आदमी है, वो भी इससे प्रभावित होता है और उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी एक हिस्सेदारी है। देखिए निखिल, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि काफी ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर जैसे इस ट्रेड शो में अगर मैं बात करूँ तो 13 डोम हैं और 1000-2000 एग्जीबिटर हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितनी वैरायटी भी यहाँ पर है। जो अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस को डिस्प्ले करने की, बड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस, अदानी, टाटा, ऐसे कई कंपनियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसके साथ ही विदेशी कंपनियां भी हैं, देश की भी कंपनियां हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएसएमई का कई मंत्रालयों ने भी अपने यहां पर एग्जिबिट लगाए हुए हैं, गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी निखिल कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टेक होल्डर के लिए जिसको जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है, सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेशक मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेशन के हिसाब से, बायर वेंडर के बीच बातचीत, मीटिंग, ये सब का सिलसिला इन्हीं सब ट्रेड शो में शुरू होता है। और इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं जब इस ऐसे ग्लोबल ट्रेड शो पिछले वाइब्रेंट गुजरात समिट में हुए हैं। जी, दरअसल मैं ये भी बताना चाह रहा था कि
जिस तरह से ये सारे बिजनेसेस हैं, ये ओवरऑल जो जब कंट्री के इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं तो उसका असर देश के हर हिस्से पर, हर व्यक्ति पर, हर कोने पर पड़ता है, जिसको आपने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ये बात भी समझना चाहेंगे कि 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल गुजरात समिट की शुरुआत की थी, 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस जर्नी को भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ये दो दशक कई मायनों में देश के लिए मार्गदर्शक के तौर पर साबित हुए हैं। गुजरात ने एक तरह से लीड करते हुए कहीं ना कहीं ये बताया है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरह के एवेन्यूज को आगे कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए निखिल, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो पिछले वर्ष ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपने 20 वर्ष पूरे किए हैं। ये 20 वर्ष जो पूरे हुए हैं वो एक बहुत लंबी जर्नी रही है और इतनी आसान जर्नी भी नहीं रही है। जो लोग गुजरात को जानते हैं, जिन लोगों ने गुजरात को देखा है, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 का वो भयावह भूकंप आया कच्छ का, 2002 में फिर जिस तरीके का अगर हम देखें तो गोधरा कांड हुआ और बाद जो एक तस्वीर है पूरी तरीके से बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से बिजनेसेस को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से पूरे राज्य का माहौल बदला जाए और राज्य को प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बहुत ही हम्बल शुरुआत हुई अहमदाबाद के साइंस सिटी में। पार्किंग एक छोटी सी जगह लेकर एक टेम्पररी सा एक अगर हम देखें तो टेंट जैसा स्ट्रक्चर लगाकर और वहां पर वाइब्रेंट गुजरात का समिट हुआ था, जहां पर कुछ देश आए थे, थोड़े डेलीगेट्स आए थे, कुछ इन्वेस्टर्स आए थे। और उसके बाद से लेकर लगातार जब देखा गया कि धीरे धीरे करके 2009 का जब सक्सेस देखा, लगातार इस पे डटे रहे, उसके बाद ये सक्सेस आज देखने मिल रही है कि हजारों की संख्या में डेलीगेट्स आते हैं, कई अगर हम कहें दर्जनों देश इसमें हिस्सा लेते हैं, दर्जनों देश पार्टनर कंट्रीज बनते हैं, तो उससे इसकी सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर मैं इसकी एक झलक दिखाऊं, आप अगर यहाँ पर दर्शकों को बताऊं कि कल की ही अगर हम बात करें तो कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इनॉग्रेशन होगा और इनॉग्रेशन के साथ साथ ही कई सेमिनार्स होने वाले हैं, कई कंट्री सेमिनार्स होंगे। बात होगी अगर हम देखें तो कल एक कंट्री सेमिनार होने वाला है जापान का, उसमें बातचीत होने वाली है कि अगला फेज जापान कहाँ मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कहाँ पर जापानीज जो कंपनीज हैं वो अपनी भारत में प्रेजेंस को बढ़ा सकती हैं, अपने को बढ़ा सकते अलग अलग क्षेत्रों में, डिजिटल हो, ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर हो, ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स में, तो इस पर एक कंट्री सेमिनार होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग एमआरओ की अपॉर्चुनिटीज में भी किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके एयरक्राफ्ट एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसमें भी बातचीत होगी, इसमें कैसे एरोस्पेस को सिस्टम में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी। उसके अलावा देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक इवेंट है जो कंट्री सेमिनार है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ये बात करेगा कि कहां बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टडी और टूरिज्म, इन चीजों, इन मेन एस्पेक्ट पर बातचीत होगी। उसके अलावा भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो धोलेरा गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी स्मार्ट बिजनेसेस, इसके लिए एक एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होगा जिसमें कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग मेट्रो और मेगा सिटीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत होगी, कैसे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज अहम होगी और धोलेरा जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो किस तरीके का होगा उस पर बातचीत होगी। तो कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पर चर्चाएं होनी है, कई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का भी एक इवेंट है, उसके साथ ही सिंगापुर कंट्री स्टार है, इंडो जर्मन पर्सपेक्टिव्स पे भी एक सेमिनार है, तो कई ऐसे सेमिनार्स हैं, यूके का कंट्री सेमिनार, वियतनाम का इंडिया बिजनेस फोरम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अगर हम देखें तो इसमें वो बिजनेसेस को बढ़ावा मिल सके, इस पर इस पूरे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 3 दिन का 10, 11 और 12 तारीख को जो ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें फोकस रहेगा और साइमल्टेनियसली ही कई सेशन चलेंगे जिसमें इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट को भी उठाया जाएगा।
जी निश्चित तौर पर। आपने ये कहा कि 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ये ग्लोबल समिट की शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से की गई। आपको लगता है कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है इस तरह के आयोजनों को न सिर्फ करना बल्कि उनको आगे बढ़ाना और जो उनका असल मकसद है उसको भी हासिल करना? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात करते हैं तो निखिल आपका भी एक लंबा तजुर्बा रहा है, आपने भी देखा होगा कि इस किस्म के समिट की उस समय 2003 के आसपास बात नहीं होती थी कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और क्योंकि आजकल कई तरह के अप्रिहेंशन रहते थे कि क्या लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या एक इवेंट में मात्र आकर क्या बड़ी बड़ी डील साइन हो सकती हैं, क्या इस तरीके से लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या अड़चनें हो सकती हैं, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो उन सभी अड़चनों को पार कर ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने ये सफर को तय किया है। इस सफर को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कहां जहां एक तरीके से कुछ देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, आज हर क्षेत्र में कई दर्जन देश हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं यूएई के राष्ट्रपति नायान आज आ रहे हैं, आज वो गुजरात आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, एक रोड शो भी होने वाला है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे भारत में यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात है। जापान का कई दशकों का, तकरीबन 6 दशकों का रिलेशनशिप गुजरात के साथ रहा है। अगर हम देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका एसोसिएशन गुजरात के साथ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स की क्षेत्र की बात करें और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो क्षेत्र हैं उनमें खास करके, तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें गुजरात ने धीरे धीरे करके एक फोकस रखा कि कैसे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए, तो हर तरीके से जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं निखिल वो थी, तभी ये इतना लंबा सफर तय हो पाया। कई अड़चनों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर पिछले साल जब 20 साल पूरे हुए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, तो उसी साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से, और इन खट्टी मीठी यादों में कई बार ऐसा भी होता था कि इन्वेस्टर्स को कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था, डराया जाता था कि गुजरात में इन्वेस्ट ना करें, तो उन सभी अड़चनों को पार करके वाइब्रेंट गुजरात आज जहां खड़ा है वो ना केवल गुजरात की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे समिट कई एक तरीके का ऐसे समय, ये जो समिट है ये प्रेडिसेसर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी राज्य अपना बिजनेस समिट करता है। जी निश्चित तौर पर। अगर इस ग्लोबल समिट की बात कही जाए, मेघना, गुजरात जो है जिस तरह से पूरे देश भर में या ये कहें कि तमाम विदेशों में भी एक विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है, इस तरह के समिट्स जो है और जो पॉलिसीज़ है बिजनेस को लेके वो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं इसके लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा अगर हम कहें तो योगदान है गुजरात में। जिस तरीके से कंपनीज ने, अगर हम देखें तो टाटा को जब प्लांट सेटअप करना था तो गुजरात ने जगह दी, कई बार ऐसा कई ऐसे अगर हम देखें तो कंपनीज को गुजरात ने जगह दी, कई तरीके के उनको बेनिफिट दिए ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रोजगार जनरेट करें। तो एक चीज ये बेशक है कि कोई भी जब कंपनी प्लांट लगाती है, अगर हम देखते हैं तो सानंद में जो प्लांट बन रहा है माइक्रोन का, वहां पर भी आसपास के लोगों को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज है वो खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही कई ऐसे एस्पेक्ट हैं, अगर हम देखें तो वहां पर एक अटल टिंकरिंग लैब को भी चला रहा है माइक्रोन जो सानंद में है। तो ये ऐसे कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो ना केवल एक डेवलपमेंट कंपनी के लिए, ना केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि जब कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा बनाती हैं तो उस पूरे क्षेत्र का भी जो एक तरीके से कहते हैं डेवलपमेंट होता है और बेनिफिट होता है।
जी, जब हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अमृत काल का हमारा सफ़र जारी है, विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है और जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है हम, ऐसे में जो इस तरह की समिट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि गुजरात से सीख लेनी चाहिए, गुजरात को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसका देखिए ये चूंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो एक प्रेडिसेसर के तौर पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपना मार्क छोड़ा है, एक ब्रांड बन के उभरा है, तो जब भी कोई राज्य बिजनेस समिट करता है या ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है, ऐसे ग्लोबल समिट करता है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, या भले वो नेशनल हो या ग्लोबल हो, वो वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल बेशक अपनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई चीजों को बहुत एक ऐसे एस्पेक्ट से देखा गया लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से। पहले जब 2003 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, उस समय एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर सबमिट किया गया था, कोशिश की गई थी कि अच्छा हो, जितना सुविधाएं थी उस हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश की गई। आज वो समिट एक परमानेंट स्ट्रक्चर में होता है, इतना बड़ा महात्मा मंदिर का कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर में हर 2 साल में होता है, कोरोना काल को अगर निकाल दें तो हर 2 साल में इसे आयोजित किया गया है, और अक्सर ये जनवरी के समय होता है जहां पर काइट फेस्टिवल भी गुजरात में हो रहा होता है, तो लोग ना केवल बिजनेस के लिहाज से आए बल्कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है उसमें भी घूमे जाने, एक्सप्लोर करें क्या है गुजरात में, तो उसके बारे में उससे भी काफी ज्यादा एक वो एक इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की इकोनॉमी पे, टूरिज्म प्रमोट होता है, और उसके साथ ही ये जो समय है ये कच्छ में रणोत्सव का समय है, तो किस तरीके से अगर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको कई बार वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि वो रण जाए, रण देखें, जो रणोत्सव है उसका आनंद उठाएं, तो कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं जिनको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं निखिल, बेशक ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको कई साल लगे हैं बनने में, और ये बेशक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हुआ है, और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे इंडेक्स बी की अगर बात करें जो आयोजित करता है, गुजरात सरकार के कई विंग्स हैं जो इसमें लगते हैं, और उसके साथ ही कई कंट्रीज को रीच आउट करना पड़ता है, कई लोगों को इनवाइट एक्सटेंड करना पड़ता है, कई कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है, कई जो एग्जिबिटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं, उनमें से जो एग्जिबिटर्स हमें कल ही जो जनरल मैनेजर है इंडेक्स बी के वो बता रहे थे कि अब उनके पास एक स्टॉल लगाने की भी जगह नहीं बची है इस ग्लोबल ट्रेड शो में, जिसे पता चलता है कि कितना बड़ा सक्सेस है और कितना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करता है और कितनी ज्यादा डिमांड है इस ट्रेड शो की, क्योंकि लोग देखने आना चाहते हैं, लोग जानने आना चाहते हैं, लोग सीखने भी आना चाहते हैं, तो इसलिए भी कई मायनों में जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के आसपास लिंक्ड हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इस बार समिट की जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, किस तरह से ये परिलक्षित हो रहा है इस समिट में, और खासतौर पर जो आज जो ट्रेड शो है उसको देख करके, आपने शुरुआत में बताया था कि चाहे वो एआई का क्षेत्र हो या जो आधुनिक तकनीक हो, जो नए नए रिसर्चेज हैं उसको भी अब शामिल किया जा रहा है इस तरह के समिट में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो नए क्षेत्र हैं, जब हम गेटवे टू द फ्यूचर कहते हैं तो हम बेशक इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि आगे आने वाले या आगे जो टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली हैं, जिन चीजों को आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिन चीजों को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है उन पर फोकस रहेगा। तो बेशक जब ईवी का क्षेत्र है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईटी, आईसीटी, एआई और ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, एमएसएमईज हो, ब्लू इकोनॉमी हो, मैरिटाइम हो या एरोस्पेस हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अगर देखें तो भविष्य की जब हम बात करते हैं तो ये बेशक जो तकरीबन 2 एडिशन जो नहीं हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के, ये एक ऐसा एडिशन है जो पिछले समिट की भी कमी पूरी करेगा बट आगे के समिट के लिए भी एक टोन सेट करेगा।
जी, निश्चित तौर पर। तो ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत से लेकर के और मॉडर्न भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम फ्यूचर के भारत की बात करते हैं, किस तरह से ये जो आम लोग हैं उसको वो इसको इस समिट से अपने आप को जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे इसको देखेंगी मेघना? मेघना आप हमारे साथ हैं? मेघना का संपर्क हमारे साथ फिलहाल नहीं हो सक रहा है, लेकिन हम जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का इस समिट के तहत उसका उद्घाटन किया है और टिमोर लेत्से और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति इस मौके पर मौजूद रहे हैं। एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। तो ये 10वां संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और इस मौके पर दुनिया भर से गुजरात पहुंचे जो कारोबारी हैं, निवेशक हैं, उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जो चार राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ ही साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि इस जो ये सम्मेलन है इसमें मौजूद रहेंगे, इस समिट में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम ये समिट है इस लिहाज से भी कि ये 10वीं समिट है, 20 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ में मेघना देव हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। मेघना, एक बार हम फिर से जानना चाह रहे थे कि इस समिट के बारे में जब हम बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं, जब हम बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, जब हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बढ़ने की बात करते हैं, तो इस तरह के जो आयोजन हैं वो किस तरह से आम लोग उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं, कैसे आप देखेंगे कि इस तरह का के जो आयोजन है वो भारत को एक जिसको कहते हैं कि लीप फॉरवर्ड वो ले जाने की दिशा में काम करते हैं? बिल्कुल, इनका एक बेहद अहम रोल है और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो ना केवल ग्रोथ अगर हम देखें तो बिजनेसेस का, बल्कि स्टेट स्पेसिफिक भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अहम है। अगर हम देखते हैं तो देखिए 12 तारीख को जो आखिरी दिन होगा इस समिट का, इसमें कई अगर हम देखें तो स्टेट सेमिनार भी होने वाले हैं, ना केवल गुजरात संबंधित बल्कि अलग जो राज्य हैं वो अपने स्टेट सेमिनार भी करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्टेट सेमिनार आयोजित होगा जिसमें कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कई क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, एग्रो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाय का जो क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्रों में किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस वहां पे किए जा सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, उस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो भी मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेज सेमिनार होगा। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो गुजरात के हिसाब से गुजरात चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन बनने की ओर है, तो उसके ऊपर भी एक सेमिनार होगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स हो, स्टेक होल्डर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स बात करेंगे कि क्या क्या क्षेत्र हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, किन किन तरीके के चीजों को लाया जा सकता है, इस पर बातचीत होगी। अगर हम देखते हैं तो क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बातचीत होनी है, जो भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके साथ ही चूंकि एमएसएमईज की हम बात कर रहे थे निखिल, तो विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स हमेशा हम इनको मेंशन करते हैं। तो ऐसे में जब 2047 तक की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो
ऐसी स्ट्रैटेजी, ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जो विजन है हमारा 2047 तक का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन दोनों को प्राथमिकता मिले। तो इसके लिए एक एमएसएमई कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें एक इकोसिस्टम की बात होगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाकर अलग 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 तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है राष्ट्र के तौर पर और इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर मेघना, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट का जो अवलोकन किया है और उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत के लिए। आप जो है इस पूरी समिट से पर नज़र बनाए रखिए, आप कवरेज करती रहिए, हम आपके साथ समय समय पर जुड़ते रहेंगे। விழா தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட தமிழ்நாடு அரசு இசை கல்லூரி மாணவிகளை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். Let us rise for the Tamil Thai வாழ்த்து. கடலுடுத்த நிலமடந்த கெடிரொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போர் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு, மாண்புமிகு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து மற்றும் எஃகுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜோதிர் ஆதித்யமா சிந்தியா அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய மாணவிகளுக்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு, மாண்புமிகு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து மற்றும் எஃகுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜோதிராதித்யமா சிந்தியா அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். We request Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel திரு ஜோதி ஆதித்யா எம் சிந்தியா to felicitate Honorable Minister திரு நரேந்திர மோடி ஜி. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள்
दी गई है। ये प्रदर्शनी एक तरीके से देखें तो खास ध्यान केंद्रित करेगी और उसके साथ ही आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध जो भी सेवाएं हैं वो और उनसे संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी जगह दी गई है और सेकेंड पवेलियन को तैयार किया गया है। तो टेक पे भी काफी ज्यादा फोकस है क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि अब जो व्यापार होता है वो काफी सॉफ्टवेयर में, आईसीटी में, इमर्जिंग टेक में काफी ज्यादा संभावनाओं को और ज्यादा तलाशने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां लगातार एआई के क्षेत्र में और इस तरीके से आईसीटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है, प्रॉमिसिंग सेक्टर है जिस पर बेशक जो व्यापारी हैं उनकी भी निगाहें रहती हैं और उसके साथ ही जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी निगाहें रहती हैं। जी आपने कहा कि एमएसएमई एक फोकस सेक्टर रहेगा इसमें, क्या ये इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं या जो जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है बिजनेस टाइज के संदर्भ में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में? बिल्कुल, चूंकि एक तरीके से देखें तो एमएसएमईज की जब बात करते हैं तो ऐसे बड़े ट्रेड शोज में या ऐसे बड़े ट्रेड फेयर जिस तरीके से निखिल अंबानी दिल्ली में भी जिस किसी का बड़ा ट्रेड फेयर लगता है तो काफी ज्यादा जो एमएसएमईज हैं छोटे मझोले जो उद्योग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये प्लेटफॉर्म उनको बेशक कई तरीकों से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए भी मिलता है, कई तरीकों से उनको वेंडर्स और ज्यादा मिलते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं, किन किन जगहों पे इसकी डिमांड है और कई बार उनको और ज्यादा उनके डेवलप अभिवादन का आदान प्रदान।